प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में हम दमदार क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसमें कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद से कुछ होमवर्क भी देते हैं, जिसको सॉल्व करके आप लोगों को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना होता है। इस टाइप के वीडियो को आप बहुत ज़्यादा आप लोग लाइक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से आप लोगों का आईटी और नीट एग्जाम में बेटा फुल में फुल मार्क आएगा, क्योंकि तो दमदार और शानदार क्वेश्चंस बेटा इस सेशन में हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके पहले हमने वेव मोशन साउंड फिनिश किया, मॉडर्न फिनिश किया। वेव मोशन साउंड को हमने दो लेक्चर में डिवाइड कर दिया था, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर मिला करके हमने वेव मोशन साउंड के दमदार क्वेश्चन सॉल्व कराए, और उसी वेराइटी के बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जितना हमने क्वेश्चन कराया सब आपको तैयार होना चाहिए। फिर हमने 9 क्वेश्चन वे मोशन साउंड के सेकंड लेक्चर में हमने होमवर्क दिया था, जिसका आंसर आप लोगों ने दिया भी है। बहुत अच्छा लगा बेटा। जो लोग आंसर उसका नहीं कर पाए, जो सॉल्व नहीं कर पाए, वो लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसका आंसर आज हम बता देंगे। और आज के लेक्चर में मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे बेटा। मैकेनिक्स में टोटल 12 लेक्चर हैं, यूनि डायमेंशन से लेकर के सिंपल हार्मोनिक मोशन तक। यूनि डायमेंशन, परसेंट एरर मेजरमेंट, मोशन इन वन डायमेंशन, वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शन, कोलिजन, वर्क फॉर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल एंड SHM। 12 टॉपिक मिला के बेटा कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन मैकेनिक्स से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैकेनिक्स टफ माना जाता है, बट एग्जाम में टफ क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैकेनिक्स विशेष रूप से आपका तैयार होना चाहिए। आज मैकेनिक्स का हम पहला टॉपिक यूनि डायमेंशन, परसेंटा एरर मेजरमेंट के इतने हम क्वेश्चन करा देंगे, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे और उसी वैरायटी के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को फटाफट बेटा लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्त मित्र में खूब शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो खूब दोस्त मित्रों में बेटा इसको शेयर कीजिए, सबको इसको बेनिफिट मिले। तो बेटा आओ देखते हैं। और हम लोग का डीपी सिंह क्लासेस के बेटा जो ऐप है, इस ऐप में ये सब सारे कोर्स बेटा उपलब्ध हैं। डीपी सिंह क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड करके इसमें से जो कोर्स चाहें आप उसको बेटा पढ़ सकते हैं। एकदम मिनिमम प्राइस है, उसको बेटा पढ़ सकते हैं। इसके लिए डीपी सिंह क्लासेस के ऐप में जाकर उसको बेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो बेटा स्टार्ट करना है मैकेनिक्स। टॉपिक फर्स्ट, यूनिट डायमेंशंस, परसेंट एरर मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पहले टॉपिक से आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो डायमेंशन पूछेगा, या तो यूनिट पूछेगा, या तो परसेंट एरर पूछेगा, या तो मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, सिग्निफिकेंट फिगर। तो 5-6 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं जो एकदम से आपका तैयार होना चाहिए। अगर ये तैयार नहीं है, जो 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में आएंगे, निश्चित है बेटा आपका छूट जाएगा। लेकिन हम इस वैरायटी का आज क्वेश्चन करा देंगे, इतना क्वेश्चन करा देंगे कि पूरा टॉपिक आपका बेटा तैयार हो जाएगा। उसी बेस पर और भी क्वेश्चन आप क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन देंगे उसको आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर सॉल्व करके दीजिएगा। और जो हमने वे मोशन साउंड के सेकंड लेक्चर में 9 क्वेश्चन हमने दिया था उसका आंसर लिखा दे रहे हैं बेटा, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। आप लोग दोबारा क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा कि आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे कि जितने बार आप देखेंगे उतना ज्यादा क्या होगा बेटा तैयार होगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन उसका जाए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का बेटा बी ऑप्शन सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। फोर नंबर क्वेश्चन का बेटा ए ऑप्शन। फाइव नंबर क्वेश्चन का बेटा डी ऑप्शन सही है। सिक्स नंबर क्वेश्चन का बेटा डी ऑप्शन सही है। सेवन नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था, उसको सॉल्व करके आंसर बताना था, जिसका आंसर है बेटा 318 हर्ट्स। एट नंबर क्वेश्चन में भी ऑप्शन नहीं था, उसका आंसर है बेटा 422 हर्ट्स। और 9 नंबर क्वेश्चन में भी बेटा ऑप्शन नहीं था, जिसका आंसर है बेटा 93 मीटर पर सेकेंड। ये किसका है, वेव मोशन एंड साउंड का जो लेक्चर नंबर 2 हमने बताया था उसमें ये बेटा हमने 9 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। अगर इस वैरायटी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जा रहे हैं
एग्जाम में फिक्स है बेटा कि आप फुल में फुल मार्क्स पाएंगे, निश्चित है पाएंगे, अगर ये सारे क्वेश्चन मन से अगर सॉल्व कर ले गए तो। इस वैरायटी के क्वेश्चन अगर आपके तैयार हैं तो यही सब आता है क्वेश्चन, ठीक। तो वे मसन साउंड का फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर, दो लेक्चर मिला करके वो एकदम फिनिश हो गया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट डायमेंशन परसेंट एरर मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें कि परसेंट एरर का क्वेश्चन, डायमेंशन का क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रूगेज, यही सब क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी पावर 2/3 अपान सी डी क्यूब। ये बेटा देखो ए में परसेंट एरर, ये बेटा बी में परसेंट एरर, सी में और डी में परसेंट एरर सब दे दिए हैं। देख लो ए में परसेंट एरर है 2%, बी में 3%, सी में 1% और डी में 4% परसेंट एरर है। तो कह रहे हैं एक्स के मेजरमेंट में परसेंट एरर बताओ। तो एक्स के मेजरमेंट में परसेंट एरर डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100। बेटा ये देख लो ए स्क्वायर में 2 बाहर आता है, किसी भी फॉर्मूले को परसेंटेज में बेटा अगर कन्वर्ट करना है तो उस फॉर्मूले का बेटा लॉग लेते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। लॉग लेने के प्रोसेस में जो इनटू होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जो अपान होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। बट परसेंटेज एरर के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जितने माइनस होते हैं उसको अपने तरफ से प्लस बना दिया जाता है, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम परसेंटेज एरर बेटा फाइंड किया जाता है। और जितने ये पावर हैं लॉग लेने के प्रोसेस में वो कोफिशियंट बन जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो देख लो क्या हो गया यहाँ 2 और ए में परसेंट एरर बेटा डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, ये इंटू का प्लस बन गया, 2/3 बाहर आ गया, 2/3 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, ये अपान का भी बेटा प्लस हो जाएगा और सी का हो जाएगा बेटा डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 और डी क्यूब का 3 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। इस तरह से किसी भी कोई भी एक्सप्रेशन दे दे, कोई फंक्शन दे दे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसका लॉग लेना चाहिए और पार्शियल डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट कर देना चाहिए। तो हो गया बेटा 2 और ए में परसेंट एरर बेटा देखो दिया है 2% का, तो यहां लिख दीजिए 2%। ये हो गया बेटा 2/3, बी में परसेंट एरर बेटा 3% है तो यहां 3% लिख दो, सी में परसेंट एरर बेटा 1% का है तो सीधे 1% लिख देंगे 3, और डी में परसेंट एरर 4% का है बेटा तो यहाँ 4% लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ गया 2 × 2 डेट इज 4%, और यह होगा बेटा 3 से 3 कट करके 2%। इसके बाद ये आ गया बेटा 1% और यह आ गया कितना 12, ये हो गया 12 और 4 16 17 18 और 19। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक्स में जो परसेंटेज एरर आया वो कितने परसेंट का आया बेटा, 19% का परसेंटेज एरर आ गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है तो इसी टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत ही इजी वे में बेटा सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। और क्या करता है ना एनसीईआरटी सब क्वेश्चन जब देता है एग्जाम में तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता है, जैसे जितना पावर है पावर में से कुछ ना कुछ चेंज कर देगा, परसेंटेज वैल्यू चेंज कर देगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो कुछ भी चेंज करेगा तो निश्चित आप सॉल्व कर ले जाएंगे, निश्चित है। इसके बाद बेटा ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो किसी की मत आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर पहले से सॉल्व नहीं किए हैं तो। इसमें बेटा देख लो एक सिंपल पेंडुलम का नाम लिया है इस क्वेश्चन में, यह है बेटा सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ है एल, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के सेंट्रल मास के बीच की दूरी का जो लेंथ होता है वह एल होता है, इस पर ग्रेविटी जी काम करेगा, इस स्फेयर का मास कितना है बेटा एम है। तो क्वेश्चन में स्पष्ट देख लो कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, जो लेंथ का मेजर वैल्यू दिया है कितना दिए हैं 20.0 सेंटीमीटर और नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, यानी इसमें जो एरर है 1 मिलीमीटर का एक्यूरेसी है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को बेटा हम लोग कहेंगे 0.1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है तो इसको बेटा सेंटीमीटर में बदल लो, या तो एल को मिलीमीटर में बदल लो, इसको मिलीमीटर में रहने तो एक यूनिट में रखना चाहिए। उसके बाद से इस पेंडुलम का जो आसलेशन करा रहे हैं, कितने आसलेशन करा रहे हैं 100 आसलेशन, 100 आसलेशन में लगा हुआ जो टाइम है वो दिए हैं बेटा देख लो 90 सेकेंड,
90 सेकंड ये दिए हैं, 100 ऑसिलेशन का लगा हुआ टाइम, और टाइम में जो एरर है देख लो 1 सेकंड का रिजोल्यूशन है, यानी टाइम में जो एरर है वो कितने सेकंड का है, 1 सेकंड का बेटा एरर है। तो कह रहे हैं कि ग्रेविटी में देखो एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी, पूछ रहे हैं क्या, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ये बेटा आपसे फाइंड करा रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीधे उठा के एग्जाम में दे दे रहा है, थोड़ा सा वैल्यू उसका क्या कर दे रहा है बेटा, चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा आइडिया रहना चाहिए। अब इसमें क्या है कि इसमें 100 ऑसिलेशन दिया है बेटा, एन ऑसिलेशन में लगा हुआ टाइम टी है, देख लो एन ऑसिलेशन का जो टाइम टी है तो जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं बेटा एक ऑसिलेशन में लगा हुआ टाइम, इसलिए जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, टी बाई एन हो जाएगा, इस बात को ध्यान दो। तो टाइम पीरियड जो होगा वो टी अपान एन होगा। अब ग्रेविटी में परसेंट एरर चाहिए तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपान जी, अब इसका स्क्वायर कर दो तो आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपान जी, यहाँ से बेटा जी में परसेंट एरर चाहिए तो जी को इधर लेते आओ और ये आ गया 4 पाई एल स्क्वायर एल अपान टी स्क्वायर। अभी हमने कहा कि जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, टी अपान एन में कन्वर्ट कर लो क्योंकि मेजरमेंट तो स्मॉल टी का किया गया है। अब देखा जाए तो इस हिसाब से ग्रेविटी आ गया 4 पाई स्क्वायर एल अपान कैपिटल टी के स्क्वायर पे इसको लिखेंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा क्या, एन स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 4 और पाई स्क्वायर और एन स्क्वायर बेटा ये कांस्टेंट हो गया, इसलिए सब के सब लॉग लेने और पार्शियल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में समाप्त हो जाएगा और बचेगा कितना बेटा एल, एल के मेजरमेंट में एरर है और इंटू हो जाएगा ये टी पावर माइनस टू, इसको परसेंटेज में बदल दें तो डेल्टा जी अपान जी इंटू 100, एल का परसेंटेज हो जाएगा बेटा डेल्टा एल अपान एल इंटू 100, ये इंटू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस टू बाहर आएगा बट माइनस को प्लस बना देना है तो आ गया 2 डेल्टा टी अपान टी इंटू 100। अब ये सारा वैल्यू बेटा दिया है, डेल्टा एल का वैल्यू देख लो 0.1 सेंटीमीटर, कैपिटल एल का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, यहाँ रख दीजिए बेटा 0.1 अपॉन 20 इंटू 100 प्लस 2, डेल्टा टी का वैल्यू बेटा आप लोग देख लीजिए, डेल्टा टी का वैल्यू 1 सेकंड है, टी का वैल्यू 90 सेकंड है, ये हो गया बेटा 1 अपॉन 90 इंटू 100, इससे कैंसिल आउट कर दें तो 5 हो गया, 5 इंटू 0.1 इज 0.5 और एक जीरो से बेटा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया 20 अपॉन 9, दैट इज 0.5 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2.2, दैट इज 2.7%, और 2.7% नियर अबाउट कितना होगा बेटा 3%। तो इस तरह से ग्रेविटी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 ये आ गया 2.7%, दैट इज 3%। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में जब ये देगा ना तो ये 2.7 ना देकर के 3% देगा, नियर अबाउट 3% इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एकदम तैयार रहना चाहिए आपका, और आगे जब होमवर्क देंगे तो इसी टाइप का और क्वेश्चन देंगे जिसको आप लोग निश्चित है अपने मन से बेटा सॉल्व कीजिएगा और आंसर उसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देख लो बेटा डायमेंशन के ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, देख लो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का बेटा डायमेंशन पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो किसका डायमेंशन पूछ रहे हैं देख लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन। अब पता चले कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अलग फाइंड कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन अलग फाइंड कर रहे हो, तो ये बड़ा लेंदी हो जाता है बेटा एग्जाम, इस तरह से नहीं सॉल्व किया जाता, ये सब ट्रिक्स हैं, भरमार है ट्रिक्स बेटा यूनिडायमेंशन में, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बता रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं बेटा। ये देख लो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच जो एनर्जी स्टोर होता है उसमें वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो बेटा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसलिए अगर इसका डायमेंशन चाहिए तो किसका डायमेंशन बेटा आप फाइंड कर लीजिए, एनर्जी डेंसिटी का, और ऐसा करने से
चुटकी बजा के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी में वॉल्यूम से क्या कर दें बेटा डिवाइड कर दें। अब एनर्जी का डायमेंशन बेटा सब लोग जानते ही हो, एनर्जी का डायमेंशन यहाँ पे लिख दो ML2 T माइनस 2 और वॉल्यूम का डायमेंशन बेटा L क्यूब लिख दो यहाँ पर, तो इसका डायमेंशन आ गया देख लो M L स्क्वायर से L क्यूब कट करके L माइनस 1 आ गया, T माइनस 2 आ गया। ये डायमेंशन सब लोग जानते हो बेटा, प्रेशर का डायमेंशन आता है तो क्या कहेंगे सेम एज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। किसका डायमेंशन आ गया बेटा सीधे सीधे प्रेशर का डायमेंशन, तो जो प्रेशर का डायमेंशन होता है वही एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन होता है बेटा, आप याद रखिएगा। तो इस तरह से इसको याद रखिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू बेटा बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट का डायमेंशन, बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन, इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन, इज इक्वल टू ये आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये देखो सी ऑप्शन बेटा मिल गया। ट्रिकी होता है ये, ठीक है, कैसा डायमेंशन है ये ट्रिकी डायमेंशन, एग्जाम में सब तैयार रहने चाहिए डायमेंशन, बहुत ज्यादा ट्रिकी डायमेंशन है पूरे यूनि डायमेंशन में जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका डायमेंशन फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी है ये भी, एकदम ट्रिक मेथड से चुटकी बजा के क्या होगा बेटा सॉल्व होगा। इसके लिए बस इतना याद रखिएगा आप, रूट ओवर वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है बेटा, ये इक्वल होता है लाइट वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी होता है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका डायमेंशन पूछ रहा है, अगर ये ट्रिक याद है तो इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कहे कि वन अपान रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताइए, तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस वन बाई टू, बेटा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फिजिकल टू ये सीधे सीधे हो गया बेटा लाइट वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी का डायमेंशन नॉर्मल वेलोसिटी का डायमेंशन, नॉर्मल वेलोसिटी का डायमेंशन भी कितना हो जाएगा बेटा एल टी माइनस वन, देखो कितना आसानी से बेटा आपने सॉल्व कर लिया, इसका डायमेंशन कितना आ गया एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का डायमेंशन सीधे सीधे आ गया। तो ऐसा ऑप्शन देखो बेटा यहाँ दिया है एल टी माइनस वन, यानी ये किसका डायमेंशन है, ये लाइट वेलोसिटी का डायमेंशन है, दैट इज वी का डायमेंशन है, यानी क्वेश्चन को देखते ही बेटा आप तुरंत आंसर बोल दोगे, अगर ये सब ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपके हैं तो ऐसे कम से कम 15 ट्रिक्स हैं इस पूरे टॉपिक में बेटा, जिसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमने बता दिया। इस तरह से सारे ट्रिक्स आपके क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। डायमेंशन का ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए किसी भी इक्वेशन में, तथा दो क्वांटिटी अगर आपस में प्लस या माइनस हुए हैं तो उनका डायमेंशन है बेटा निश्चित है श्योर होगा, आपस में इक्वल होगा, अगर दो क्वांटिटी आपस में प्लस या माइनस है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो श्योर है बेटा उनका डायमेंशन इक्वल होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन ही आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। उस मेथड से इसको सॉल्व करना है जिसमें बेटा वन डर वाल इक्वेशन देख लो दे दिया है रियल गैस के लिए ए अपान वी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में वी माइनस बी इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट आर इनटू टेम्परेचर, बी और ए वंडरवाल गैस कांस्टेंट है, कैपिटल वी वॉल्यूम है, और ये क्या है बेटा प्रेशर है। किसका डायमेंशन ये पूछ रहे हैं बेटा, देखो ए का डायमेंशन पूछ रहे हैं, ए का डायमेंशन कितना होगा, कितना आसान, हमने बेटा अभी बताया कि अगर दो क्वांटिटी आपस में प्लस या माइनस हुए हैं तो उनका डायमेंशन सेम होता है, तो तुम देखो बेटा ए अपान वी स्क्वायर प्रेशर के साथ क्या है प्लस हुआ है, इसलिए ए अपान वी स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू बेटा प्रेशर का डायमेंशन, ए अपान वी स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन,
इसलिए यहां से बेटा ए का डायमेंशन इज इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन। बोलो, अब प्रेशर का डायमेंशन अभी तुम पढ़े हो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यहाँ वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब होता है, उसका स्क्वायर बेटा एल पावर सिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ए का डायमेंशन देखा जाए तो ए का डायमेंशन, तो ए का डायमेंशन आ गया एम एल माइनस वन, यहां से देखो एम एल माइनस वन टी माइनस टू एल पावर सिक्स, तो ये कैंसिल होकर के एल पावर फाइव आ जाएगा, एम एल पावर फाइव टी पावर माइनस टू, एम एल पावर फाइव टी पावर माइनस टू। तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा यहां दिख रहा है एम एल पावर फाइव टी पावर माइनस टू, इसका डायमेंशन हो गया। अच्छा, अगर इसमें बेटा बी का डायमेंशन अगर पूछता, बी का डायमेंशन, तो बी का डायमेंशन सीधे सीधे बेटा देख लो वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाता, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, सब्ट्रैक्शन हुए हैं। तो जब दो क्वांटिटी आपस में प्लस या माइनस होते हैं तो उनका डायमेंशन बेटा सेम होता है, क्योंकि सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो बी का डायमेंशन हो गया बेटा एल क्यूब। तो जनरली वैन डेर वाल इक्वेशन में जो डायमेंशन पूछता है ए का ही डायमेंशन पूछता है, तुमको यहाँ आर और टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं आर और टी का क्या करें, तो ये इतना अगर सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का आइडिया है, तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, स्टूडेंट समझ नहीं पाता हम कैसे सॉल्व करें, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ऐसे चुटकी बजा बजा क्या होते हैं बेटा सॉल्व होते हैं। दिया है x इन ब्रैकेट t इज इक्वल टू v नॉट अपॉन अल्फा, v नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस e पावर माइनस अल्फा t। ये बेटा e इज एक्सपोनेंशियल, ध्यान दो e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जब क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दे तो समझ जाओ क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी वे में ऐसे क्वेश्चन बेटा आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देख लो, कुछ लोग समझते हैं कि x और t का मल्टीप्लिकेशन है, नहीं बेटा, ये x और ब्रैकेट में जो t लिखा है ये बताना चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन है टाइम का फंक्शन है, तो ये केवल x है, x इज इक्वल टू v नॉट अपॉन अल्फा इन ब्रैकेट 1 माइनस e पावर माइनस अल्फा t, देख रहे हो। तो अब यहां से अगर सॉल्व करना है तो देखो बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये पूरा, तो ये डायमेंशनलेस होगा, और डायमेंशनलेस होगा तो इसका पावर भी डायमेंशनलेस होगा, तो जो अल्फा इंटू टी होगा ये बेटा डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस का मतलब बेटा होता है वन। तो यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं बेटा अल्फा का डायमेंशन, अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू वन अपान टी, तो वन अपान टी का मतलब वन अपान कैपिटल टी, तो इसका डायमेंशन हो गया देख लो टी इनवर्स। तो हम लोगों ने किसका डायमेंशन फाइंड कर लिया बेटा अल्फा का, तो क्वेश्चन में तो अल्फा का डायमेंशन पूछ ही रहे हैं, तो अल्फा का डायमेंशन हो गया बेटा टी इनवर्स, और साथ में अब किसका डायमेंशन पूछ रहे हैं बेटा वी नॉट का, देखो वी नॉट का भी डायमेंशन चाहिए और अल्फा का डायमेंशन चाहिए, तो ये तो अल्फा का डायमेंशन हो गया। अगर वी नॉट का डायमेंशन चाहिए तो अब लगा दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या कहता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पर तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा डायमेंशनलेस हो गया, तो बचा क्या वी नॉट अपन अल्फा, इधर क्या बचा बेटा एक्स, तो वी नॉट अपन अल्फा का डायमेंशन इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि बेटा वी नॉट अपॉन अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से वी नॉट का डायमेंशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स, तो वी नॉट का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स का डायमेंशन बेटा एल, और अल्फा का डायमेंशन आया कितना टी माइनस वन। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया, वी नॉट का डायमेंशन एल टी माइनस वन और अल्फा का डायमेंशन टी माइनस वन। तो कौन सा आंसर सही है अगर देखा जाए तो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन यहां देखो सी ऑप्शन में है और टी इनवर्स ये है, तो इस हिसाब से यहां पे सी ऑप्शन बेटा सही है। तो याद रखिएगा कभी भी आपके सामने डायमेंशन का क्वेश्चन आ जाए,
जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो घबराना नहीं। देखने से ऐसे क्वेश्चन टफ लगते हैं, लेकिन ऐसे चुटकी बजा बजा क्या होता है बेटा, सॉल्व होते हैं। सब दमदार क्वेश्चन हैं, शानदार क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स लाने की क्षमता रखते हैं। अब देखो बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट पूछ रहा है, देख रहे हो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। इसको बेटा विशेष रूप से आप तैयार कर लीजिएगा, सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे इसका लिखना है 0.003145 का अगर सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, तो अगर इस पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है, केवल जीरो है, तो पॉइंट के जस्ट बाद वाले जो जीरोस होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इन्हीं का केवल देखना है, 1, 2, 3, 4, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है बेटा, 4 है, ठीक है। इस तरह से मान लो लिखा हो बेटा 0.00521, इसका अगर सिग्निफिकेंट नंबर लिखना है, सिग्निफिकेंट नंबर लिखना है बेटा, तो देखो ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितना है, 3 है। लेकिन मान लो ये ऐसे लिखा होता 5.00251, अगर ऐसे लिखा होता तो यहाँ पे बेटा डिजिट आ गया, तो अब ये सिग्निफिकेंट हो गए। अब इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हो गया बेटा, 6 इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही बेटा लिखा हो 0.00001, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर होगा बेटा कितना, 4। ऐसे बेटा लिखा हो 2×10⁴, तो बेटा ये जो ऑर्डर होता है 10⁴, 10⁴n, 10⁻⁴, ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा बेटा, 1 सिग्निफिकेंट नंबर होगा। ऐसे बेटा लिखा हो 55×10⁻⁴, तो ये बेटा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ये जो 10⁻⁴ है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह से इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर है बेटा आपका तैयार रहना चाहिए। इसका सिग्निफिकेंट नंबर देखना है, इसका बेटा सिग्निफिकेंट नंबर देखना है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर देखना है, तो ये सब एकदम क्लियर होने चाहिए। इसमें बेटा इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, 2, 3 और 4, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 4 है, तो ये इसका आंसर कितना हो गया, सी हो गया। हमने और भी एग्जांपल बता दिया, ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर पे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। खूब बढ़िया से सिग्निफिकेंट नंबर आपका क्या होना चाहिए बेटा, तैयार होना चाहिए। अब आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का आपस में या तो एडिशन करा देगा, या तो सब्ट्रैक्शन करा देगा, या तो डिवीजन, या तो मल्टीप्लिकेशन। अब कहेगा कि इसका सुटेबल सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर दो, तो याद रखना बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल होता है। तो यहाँ पे जो आपके सामने क्वेश्चन है देख लो बेटा, लिखा है 17.8×3.1143 इज इक्वल टू, लिखा है बेटा 55.4354, इसका मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू दे दिया है। तो ये इसका पहला कंपोनेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बेटा 3 है, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है, इसमें बेटा 5 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब दो क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और या तो डिवीजन करते हैं, तो इसका एक रूल होता है, फाइनल आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर देखा जाता है। तो आप देखिए कि फाइनल आंसर में जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितना है, 4 और 2, 6 सिग्निफिकेंट नंबर है, आंसर गलत है। और इसमें देखो कितना है, 5 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें कितना है, 3, यही है बेटा लिस्ट। तो फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर तक आंसर होना चाहिए, ध्यान देना, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट आंसर होना चाहिए। तो फाइनल आंसर में 3 कॉम्पोनेंट होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। तो इसका हम राउंड ऑफ करेंगे, 55 लिख देंगे, पॉइंट लिख देंगे, 4 बेटा 5 से कम है इसलिए 5 बना रहेगा, 5 यह है तो ये 3 बेटा 4 हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, और ये 4 5 से कम है इसलिए 4 के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा 55.4, क्योंकि इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितना है, 3 है,
और थ्री का मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर तक आंसर दिया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन तो एक नजर आ रहा है, कौन सा? बस थोड़ा सा रूल पता हो तो आंसर को आप तुम देख कर पहचान जाओगे कि ये आंसर इसका है। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? फाइनल आंसर में लिस्ट डेसिमल प्लेस देखा जाता है। जैसे बेटा ये क्वेश्चन देख लो, दो क्वांटिटी का आपस में देख लो बेटा, सब्ट्रैक्शन कराया है, देख रहे हो इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन अभी जस्ट नीट एग्जाम बेटा 2020 में देखो आ भी चुका है, आता है ऐसे क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए आते हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा, ध्यान रखना। तो देख रहे हो दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, कितना आसानी से साल हो जाएगा, 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर, और फाइनल आंसर देना है। तो इसमें क्या देखना है, लिस्ट डेसिमल प्लेस बेटा, लिस्ट डेसिमल प्लेस देखा जाता है, किसमें? सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में लिस्ट डेसिमल प्लेस ऑफ कंपोनेंट देखा जाता है फाइनल आंसर में। फाइनल आंसर में जो कंपोनेंट जो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं उसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस जहां पर होगा वो आंसर होगा। तो देख लो इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, 4 डेसिमल प्लेस है बेटा, पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक पॉइंट लगा है, इसमें क्या है 2 डेसिमल प्लेस पे पॉइंट लगा है, तो इसमें क्या है बेटा 2 और इसमें कितना है 4। हम सिग्निफिकेंट नंबर नहीं देख रहे हैं, डेसिमल प्लेस देख रहे हैं, तो लिस्ट कौन सा हुआ, ये 2 वाला लिस्ट हुआ। तो ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है, जैसे ये डी ऑप्शन में है 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें तक 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 4 डेसिमल प्लेस है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर तो दिख गया, कौन सा, बी, यानी फाइनल आंसर हम लोग कहेंगे 9.98 मीटर, ये हो गया बेटा आंसर। इट हैव लिस्ट डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर दे देना है, साल भी नहीं करना, ऐसा माइनस में कुछ ना करो, वो ऑप्शन दिखता है, बस क्लियर रहना चाहिए कि फाइनल आंसर किस तरह से देना है। तो फिर से सुन लो बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर में लिस्ट डेसिमल प्लेस ऑफ कंपोनेंट देखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट देखा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस हम होमवर्क में देंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, एकदम तैयार हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेटा एग्जाम में आता है, देख लो इसका डायमेंशन पूछ रहा है, और याद रखना बेटा 1/4πε0 into e² / hc, कभी कभी इसको ऐसे भी पूछता है e² / εo hc, इसका डायमेंशन बेटा, ये डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है बेटा, डायमेंशन लेस का मतलब m0 l0 t0, ये चूंकि डायमेंशन लेस होता है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आता है, खूब आता है क्वेश्चन, रिपीट करता है, आप लोग को याद रहना चाहिए कि 1/4πε0 e² / hc इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायरेक्ट एग्जाम आ गया फर्स्ट आंसर दे दो, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, εo परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, सी इज लाइट स्पीड, तो ये कभी आपके सामने आ जाए फट से आंसर क्या दीजिए बेटा, डायमेंशन लेस। ये क्वेश्चन देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन ए शेप ऑफ ए क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास, रिलेटिव एरर यानी परसेंटेज एरर दे दिए हैं मास में और लेंथ में, मास में परसेंटेज एरर दिए हैं बेटा 1.5% का, लेंथ में परसेंट एरर दिए हैं बेटा 1% का, और डेंसिटी में परसेंट एरर डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 पूछ रहे हैं, किसके लिए बेटा, क्यूब के लिए, क्यूब देख रहे हो, इस क्यूब का साइड अगर एल है इसका जो वॉल्यूम होगा क्या एल क्यूब नहीं होगा साइड का क्यूब, अब कितना आसानी से आप लिख लीजिए बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम को बेटा एल क्यूब लिख दीजिए, इसको परसेंटेज में बदल लीजिए, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100, एम का हो जाएगा बेटा डेल्टा एम अपान एम इंटू 100,
अपान का माइनस को क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि मैक्सिमम परसेंट एरर निकालना होता है। और एल क्यूब का हो जाएगा बेटा 3 डेल्टा L अपान L × 100। हिसाब हो गया बेटा, पुट पुट वैल्यू क्या करो तो पुट अपने आप आंसर आएगा अपने आप। तो देख लो डेल्टा एम का वैल्यू यहां पर डेल्टा M अपान M × 100 पूरा का पूरा दिया है कितने परसेंट, 1.5%। और ये हो गया 3, और लेंथ में कंप्लीट जो परसेंट एरर दिए हैं बेटा 1%, तो यहाँ 1% लिख दो, तो ये आ गया 4.5%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस क्वेश्चन को एग्जाम में दे देता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना बस बेटा आपको आना चाहिए। और ये क्या है, क्यूब है, देख लो। इसके बाद आता है बेटा मेजरमेंट। मेजरमेंट में दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछता है, या तो वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन, या तो स्क्रूगेज से क्वेश्चन, या तो वर्नियर कैलिपर्स पूछेगा या तो क्या पूछेगा बेटा, स्क्रूगेज। मेजरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा माना जाता है। तो दो प्रकार का बेटा इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछता है, एक वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन, एक स्क्रूगेज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। तो क्या कह रहा है, एन डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विद N+1 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। यानी वर्नियर स्केल पे जो टोटल डिवीजन की संख्या है बेटा एन डैश, वो कितना है, N+1 है। वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन की संख्या है बेटा N+1, जो मेन स्केल के एन डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको कहेंगे N+1। N+1 में से N माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितने का, 1 आ जाएगा। एंड ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज A। तो देखो जो 1 MSD मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या दिया है, A दिया है, तो इसको हम A डैश कह दें। अब इसका लिस्ट काउंट पूछ रहा है बेटा वर्नियर कैलिपर्स का। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट बेटा याद रखना ये होता है S-B, लेकिन इसको जब ट्रिकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो ये आ जाता है A × S/N। यहाँ इसको A डैश लिख दो, इसको N डैश लिख दो। A डैश का वैल्यू है बेटा 1, S का वैल्यू है बेटा A, और N डैश का वैल्यू है कितना, N+1। तो इस तरह से देखा जाए तो लिस्ट काउंट आ गया A upon N+1। देख रहे हो इस ट्रिक से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस ट्रिक से हम इसे होमवर्क देंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो होमवर्क देंगे अभी। तो इस ट्रिक से लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ऐसे सॉल्व होता है बेटा, विश्वास नहीं करोगे, चुटकी बजा के सॉल्व होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इस हिसाब से आंसर दिख रहा है A upon N+1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा स्क्रूगेज का क्वेश्चन है, देख लो। स्क्रूगेज का जो लिस्ट काउंट होता है ये होता है पिच अपान टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। इसमें क्या पूछ रहा है, पिच पूछ रहा है बेटा। लिस्ट काउंट दे दिया है और एन का वैल्यू दे दिया है, कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा बेटा पिच इज इक्वल टू लिस्ट काउंट इंटू एन। लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना है, 0.01, ये लिस्ट काउंट का वैल्यू है। एन का वैल्यू हो गया बेटा 50, इस हिसाब से आ गया 0.5 मिलीमीटर, इसका पिच का वैल्यू आ गया। पिच पूछ रहे हैं, पिच इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी खूब एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन तुम विश्वास नहीं करोगे, इतना छोटा सा क्वेश्चन नीट 2020 में दिया भी था, यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था, इसका ये आंसर है। तो इस तरह से इस टॉपिक में बेटा आप लोग डायमेंशन खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिए, डायमेंशन के 3 एप्लीकेशन उसको तैयार कीजिए, ट्रिकी डायमेंशन तैयार कीजिए, परसेंटेज एरर फुल रूप से तैयार होना चाहिए, सिग्निफिकेंट नंबर निकालना आना चाहिए, सुटेबल सिग्निफिकेंट नंबर तक एडिशन सब्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर्स स्क्रूगेज। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो इससे 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और ऐसे चुटकी बजा बजा सॉल्व करेंगे और आप फुल में फुल मार्क्स पाएंगे। ये सब इस टॉपिक के बेटा दमदार और शानदार क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स लाने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। ठीक बेटा, अब बेटा ये आपका होमवर्क है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होमवर्क, परसेंटेज का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
ये क्वेश्चन बेटा देख लो, जिस तरह से एनसीईआरटी का हमने क्वेश्चन कराया उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो केवल आप ही कर पाएंगे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी कोई तैयार नहीं करता। ये बेटा देख लो क्वेश्चन नंबर 3, ये सिग्निफिकेंट नंबर पे बेस्ड है बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना। सुटेबल सिग्निफिकेंट नंबर तक आंसर देना है, इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर दीजिएगा बेटा कमेंट बॉक्स में। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो एक झटके में आप आंसर ला देंगे, इसलिए बेटा इसको भी सॉल्व कीजिएगा, लेकिन किस मेथड से, ट्रिकी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन, और इसमें फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा बेटा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू ए इंटू एस अपान एन, और इससे सॉल्व करने का बेटा प्रयास कीजिएगा, लीस्ट काउंट आप निश्चित है निकाल ले जाएंगे। इसको भी सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसमें यस होता है बेटा मेन स्केल पे 1 डिवीजन का वैल्यू, एन होता है वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, और ए होता है वर्नियर स्केल के डिवीजन जो कि मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड करता है, उसका डिफरेंस होता है। उसके बाद से बेटा ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, और सॉरी वर्नियर कैलिपर्स का ही क्वेश्चन है, ये भी वर्नियर का नाम देखो ले लिया है, तो इसका भी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा बेटा, ए इंटू एस अपान एन, इससे सॉल्व कर लीजिएगा, और जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1/60 डिग्री, और 1/60 डिग्री को बेटा 1 मिनट कहते हैं, ये ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को क्या करना होगा बेटा, सॉल्व करना होगा। तो मैकेनिक्स हमने स्टार्ट कर दिया है, इसके पहले हमने मॉडर्न फिजिक्स फिनिश कर दिया है, वेव मोशन साउंड फिनिश कर दिया है, सबके दमदार क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, अब मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया है। मैकेनिक्स में टोटल 12 टॉपिक हैं, आज हमने मैकेनिक्स के पहला टॉपिक यूनिडायमेंशन परसेंटेज एरर एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन, आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो जो 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में आएगा वो श्योर है, निश्चित है आप सॉल्व कर ले जाएंगे। मन को खूब प्रसन्न रखिए, मन में उत्साह रखिए, जिससे कि आप एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकें। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कीजिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो उसको बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, नहीं तो वह अनसब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।